दस बज गए तोता राम नहीं आया। क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस की रिपोर्ट का कुछ पता नहीं। जैसे ही तोता राम ऑफिस में आए मुझे फौरन कॉल करो। हेलो जी, कौन जी? ये मछली मार्केट है, हमें 5 किलो मछली चाहिए थी, आप भिजवा सकते हैं? सुनिए मैडम, ये आंधी तूफान न्यूज एक्सप्रेस का ऑफिस है, यहाँ कोई मछली मार्केट नहीं, और हमारा काम मुल्क भर की खबरों को दुनिया तक पहुँचाना है। फोन रखिए आप। उफ, ये रॉन्ग नंबर भी ना, इतना तंग करते हैं। अब तोता राम पता नहीं कहाँ रह गया। हेलो, क्या ये गैस एजेंसी है? मुझे अपने सिलेंडर में गैस चाहिए। सुनिए मैडम, ये आंधी तूफान न्यूज एक्सप्रेस का ऑफिस है, यहाँ कोई गैस एजेंसी नहीं, और हमारा काम मुल्क भर की खबरों को दुनिया तक पहुँचाना है। इन रॉन्ग नंबरों से तो मैं तंग आ गया हूँ, और अब पता नहीं तोता राम कहाँ रह गया। सर आप परेशान ना हो, आज क्रिसमस का मौका मैं दिया कि कैसे लग रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक लग रहा, कुछ काम भी ढंग का कर लिया करो। जी जी, आज मैं पूरे शहर में जाऊँगा और क्रिसमस की रिपोर्ट लेकर आऊँगा, और 5 बजे तक आपके टेबल पर आएगी रिपोर्ट। जाओ और अपने काम भी ढंग का कर लिया कर लो। जी सर, ठीक है ठीक है। उनका मुंह तो लग गया। बहुत अच्छी है, मरियम आने वाली है। या मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है यार, तुम्हारा फोन आ रहा था, मैं कार में बैठी हुई थी, मैं शॉपिंग कर रही थी। मुझे गुड़िया ने कॉल करके कहा था मैं भी आ रही हूँ, मरियम को भी कॉल कर दो, वो भी आ जाए साथ मिलकर। चलो पहले मैं अपनी शॉपिंग तो दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, क्या क्या लिया तुमने? बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है, मैंने तो ऑनलाइन शॉपिंग की है। और तुमने? मेरे भी ऑनलाइन है, देखो जूता मैंने एक सेलेक्ट किया है, कैसा लगा? अच्छा है। जाओ देखो बाहर कौन आया। या देखो बाहर कौन है। जी कौन? जी कौन तोता राम? मैं किसी तोता राम को नहीं जानती जी। मैडम जानने की भी नहीं जरूरत है, मैं आधी तूफान एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर तोता राम, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया। जी आई जी, जी तो मैडम आप क्रिसमस किस तरह मनाते हैं? मैं क्रिसमस ऐसे मनाती हूँ कि अपने घर में सबसे पहले लाइट लाइट कलर का पेंट करवा जी, जिसमें घर में चमक दमक हो,
उसके बाद मैं अपने घर में सजावट करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे सजावट करना बहुत पसंद है और अपने घर में ट्री भी लगाती हूँ क्रिसमस जी। और आप? मैंने तो मैंने मेरी अपनी बुटीक है, मैंने अपना ड्रेस खुद तैयार की है और मैं अपना क्रिसमस ऐसे मनाती हूँ, घर बहुत अच्छा सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और खाना अच्छा अच्छा बनाते हैं और मेरे मामू मुल्तान में रहते हैं, वहाँ से वो सोना हलवा और केक लाते हैं और हम मजे से खाते हैं, पिकनिक प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जी। तो आपको बहुत मजा आता होगा? जी जी, हमें बहुत मजा आता है। और आप चर्च वगैरह जाते हैं कि? जी हम चर्च जाते हैं, हमारा चर्च 9 बजे लगता है और हम 10 बजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कपड़े नहीं दिखाने होते हैं, हम इतने इतने महंगे कपड़े पहनते हैं और जो शहर है वो तो हमसे बहुत जेलस फील करते हैं। रीबा पूंछी को जेलस करवाना होता है, बहुत ज्यादा जेलस फील होती है, इसलिए हम उनको दिखाने के लिए कपड़े जाते हैं। तो फिर मैंने तो अपना खुद ड्रेस तैयार किया है और मैंने अरीबा को जलाने के लिए ये ड्रेस पहना और पहले इसको नहीं दिखाना। ये तो फिर आप मेरी मिसेज के लिए भी इस तरह का ड्रेस दिला देंगे? जी जी जरूर, जब मर्जी है। जी फिर हम जरूर आएंगे। जी शुक्रिया, जब मर्जी है। फिर ठीक है जी, आप हमारे साथ एक सेल्फी जरूर लीजिएगा। जी जरूर, हम अपने स्टेटस पे लगाएंगे। न्यूज इकट्ठी करनी है क्रिसमस के बारे में, और जब वो एक फैमिली में गया, वो फैमिली जो थी वो बड़ी ही मॉडर्न फैमिली थी और वो कुछ इस तरह की फैमिली थी कि वो जब चर्च जाते थे तो वो क्या करते थे, शो ऑफ करते थे। क्या करते थे? मतलब कि वो दिखाना कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा जूता कैसा है, मैं तैयार कैसे हुई हूँ। और इसलिए वो क्या करते थे, 9 बजे की बजाय कितने बजे जाते थे? 10 बजे जाते थे। और ये क्या अच्छी बात है? ये बुरी बात है। अगर पास्टर साहब ने ऐलान किया है कि हमें कितने बजे चर्च जाना है, तो हम कितने बजे जाएंगे? 10 बजे जाएंगे। थोड़ी मीटिंग हो जाए, थोड़े केक गुजर जाए, फिर हम कलाम के वक्त जाएंगे। ऐसा होता है ना? लेकिन हमें क्या करना है, अपनी आदतों को चेंज करना है, इस साल की आदतों को इसी साल में छोड़ना है और फिर नए साल में नई आदतों को अपनाना है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि तोता राम और किस घर में जाता है। मोना, हाय मोना, चाय मांगनी चाय, गल तो सोनू मैं नहीं सुननी तेरी गल, इधर आ गल तो सुन, तू मेरी कभी कुछ अज की गल सुनानी नहीं, कभी किन्ना कोरोना फैल गया ते कभी कह देना डेंगू आ गया। तू ना मेरी गल ध्यान ना सुन। हां दस, अजकल ना कोरोना डेंगू बहुत फैल चुके, कोरोना की पंजवी लहर आ चुकी, ते तू ना बाहर नहीं जाना ते ना ही बाहर किसी नूं अंदर बुलाना है, अगर बाहर जाना है ते अच्छे तरीके नाल सैनिटाइजर कर के ते मास्क लगा के जा। हुण तू पंजवी लहर भी ना आया बाहर वेख के कौन आया? आए हाय, एक महल्ले के बच्चे तो मैं बड़ा तंग आ गई, सानू ने जलील कर दिता, बुआ ही भंड दे रहे। हां जी कौन? जी मैं तोता राम। केड़ा तोता राम? जी मैं आंधी तूफान। न्यूज़ का रिपोर्टर तोता राम, मैं आपको इंटरव्यू लेने आया हूँ। इंटरव्यू साडा? हाँ जी। अच्छा कह जा, फिर मैं ना अपने चुन्नू मुन्नू के पापा को पूछ के आनी। अच्छा मेरी गल सुन, बाहर एक भाई है ते कह रहा तुम्हारा इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू साडा? हाँ तो ही लेना, अखबार च आइयोगे और फिर तुम चल बना लिया। अच्छा ठहर जा, मैं अच्छी तरीके ना सारे इंटरव्यू के करी जहाँ जाता हूँ सैनिटाइजर के साथ लड़ाई दे जा रही हो। भरावा कोरोना इतना फैलिया, कोरोना क्या नहीं पंजवी लहर फिर आ गई, डेंगू भी आ गया। आया जी तो
किस तरह मनाते हैं? असी अपने घर पहले ते क्रिसमस ट्री लाने, एड्डा वड्डा सारा बना के ते जेड़ा सब च मशहूर हुंदा है। फिर क्रिसमस लड़ियां लाने, फिर असी लिबर्टी मार्केट जाके शॉपिंग करने, फिर एक अहम काम असी खुद करने, असी एड्डा वड्डा स्टार बना के ना ते अपनी छत ते लाने, ते सारे मल्ले वाले वेख के सड़दे ही रहिंदे हैं, इन्हां दा एड्डा वड्डा स्टार। ते फिर ओ सड़दे ने, ते फिर सड़दे रहिंदे, फिर आउंदे साडे घर पहुंचदे ने किंग बनाया जे, ते असी कहने अगी जगह दसना, क्योंकि असी ते सारे तो अहम लगना आप, इसलिए असी किसी ने क्यों दसीए। असी अपने मल्लादारां नूं बुलाने, रिश्तेदारां नूं बुलाने, यारां दोस्तां नूं बुलाने, ते छत ते बह के शराबां वराबां पीने, बारबेक्यू लाने, चवी दराकू ते नाले टोना। पंजे वाले दिन असी सोने आ, होर की एहो ही साडा वड्डा दिन जी। ठीक है, असी शाबा शुबा पीने, टिक्के शिक्के खाने, खूब इंजॉय करने, यही साडा वड्डा दिन। आप क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मैं की वड्डा दिन मना, मेरे ते काम ही नहीं मुकदे। ओ केना कोई चौल पका दे, ओ केना गोश पका दे, मेरी ते सारा दिन चुल्हे ते लंघ जांदी, कई दफा ते मेनू चच जांदा वी टाइम मिलदा। जी हां, आप केक वगैरह बनाते हैं? मैं एड्डा वड्डा केक बनानी, नाले खानी, नाले इन्हां नूं खवानी, नाले अपने रिश्तेदारां नूं वी बुला लेनी, उन्हां नूं वी खवा देनी। जी तो मैडम, जब आप केक बनाए तो हम आपके घर के पीछे ही रहते हैं, हमें भी थोड़ा केक भेज। हाँ हाँ जरूर। अच्छा हम दस भावा चाय पीने के बोतल। जी मैं चाय ही पी लूँ। अच्छा ठहर, फिर मैं लेके। खुदा हमें नशा करने से मना करता है, इसलिए ये मैं नहीं पी सकता। खुदा आंकड़ा वेखन दिया पीड़ा। जी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं पी सकता। उसकी जिंदगी को नहीं बल्कि उसके साथ रहने वालों की जिंदगी को भी क्या करता है, खराब और बर्बाद करता है। और मेन चीज, क्रिसमस पर नशा करना कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। हम क्या कहते हैं क्रिसमस के मौका पर, हम कहते हैं ईद आई, ईद आई। हेलो, अब आप मेरी आवाज सुने, बिल्कुल खामोश हो जाए, आपकी आवाज ना आए यहाँ से। अब जिसकी आवाज आएगी मैं उसको इधर सामने खड़ा कर दूंगी। क्रिसमस के मौका पर हम खुशी खुशी में क्या करते हैं, ईद आई, बड़ा दिन आया, और हम करते हैं सारे भाई इकट्ठे हो गए, रिश्तेदारों वाले अंकल चाचू मामू इकट्ठे हो गए, छत पे क्या किया, अब लकड़ियां जलाई, और फिर साथ में क्या कर रहे हैं, और क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या हमारा क्रिसमस गुनाहों से भरा होना चाहिए? ऐसा क्रिसमस जो खुदा को पसंद आए, जिसमें हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें, ऐसा क्रिसमस होना चाहिए। हम आगे करेंगे और आगे देखेंगे तो आराम किस फैमिली में जाते हैं। अजीम शेर खुदा खा देते खुदा आपके शहजादे, मैं आपके बेहद ही शुक्र गुजार हूँ। दामन जी आप नजात दहिंदा है, आप हमारी नजात के वास्ते इस दुनिया में आए। आमीन। दरवाजा खोलो।
जी आपको जी मैं तोता राम, मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर तोता राम, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। जी आप जरूर आए। जी शुक्रिया, सबको सलाम। क्रिसमस को किस तरह मनाते हैं? मामा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। जी बेटा। मैं भी दुआ कर रहा था तो मुझे खुदा के लिए गाइड किया है। हमारे स्कूल में एक बहुत गरीब बच्चा है, उसके पास कभी पेंसिल नहीं होती, कभी उसके पास लंच नहीं होता, मैं उसे शेयर करवाता हूँ। तो इस दफा मैं जिस तरह क्रिसमस नजदीक आ रहा है तो मैं मुझे खुदा के लिए गाइड किया है कि मामा जी उसके पापा की भी डेथ हो गई है, उसकी मामा है, उसकी दो सिस्टर है, वो भी किसी के घर में काम करती है। तो इस दफा मुझे खुदा के लू ने गाइड किया कि आप जब शॉपिंग करने जाए ना तो आप मेरे लिए इतने महंगे वाले कपड़े ना लेके आए, इसके उसके लिए अच्छा सा ड्रेस लेके आए ताकि हम क्रिसमस की खुशियाँ मिलकर मना सके। जी बेटा, खुदावन हमें यही कहता है कि एक दूसरे की मदद करें और खासतौर पे गरीबों की भी हमें मदद करनी चाहिए। मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे और हम उस बच्चे के लिए भी अच्छा सा ड्रेस लेके आएंगे। जी बेटा, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं और आपकी मामा जाएंगे और आपके लिए इकट्ठे जूते और इकट्ठे कपड़े लेकर आएंगे। आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बेवा औरतों की और गरीबों की यतीमों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर दूसरों के लिए एहसास है और हमें क्रिसमस की खुशियों को अकेले नहीं मनाना चाहिए, हमें दूसरों को गरीबों की भी खुशियों को एहसास होना चाहिए और आपके अंदर मैंने वो एहसास पाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी तो मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी है और मैं आपकी एकदम फ्रंट पेज पे फोटो छापूंगा। थैंक यू। फिर बताइए वो इस फैमिली में उसने क्या देखा? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, आपने इसलिए बताना है कि आपने क्या। जो सीखने वाली चीज है, एक दूसरे की मदद और हिफाजत, और अगर दिन को हमने मनाना है तो उस तरह से मनाएं जैसे कि मसीह ने कहा एक दूसरे के लिए फिक्र करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, जमीन पर रहते हो तुम भी एक दूसरे की फिक्र करो। ये गंगत और रफाकत और मोहब्बत और प्यार यही है दियार। हेलो, इससे हमने ये सीखा है कि हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ भी बांटनी चाहिए और अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है तो गरीबों की मदद करनी चाहिए जिससे खुदा खुश होता है। और ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अभी जो है हमने बहुत ही खूबसूरत चीज देखी कि हमें उन लोगों को भी जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें याद रखना है। और अभी जो है हम अगली फैमिली को देखेंगे कि तोता राम किस फैमिली में जाता है। देखो बेटा, आपको दोनों भाइयों को नाराज हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भाई सुलह कर लें। आपकी माँ भी यही चाहती है। टिंग टाउन, टिंग टाउन। मैडम देखो बाहर कौन आया है। कौन? जी मैं तोता राम। जी कौन तोता राम? मैं आंधी तूफान एक्सप्रेस न्यूज का रिपोर्टर तोता राम, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी किस चीज का इंटरव्यू? मैं लोगों के घर में जाकर क्रिसमस के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ और इस चीज का मैं इंटरव्यू सबसे ले रहा हूँ। जी आइए, ये तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जी सबको सलाम। जी तो आपके लिए क्रिसमस क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए क्योंकि ये हमें एक दूसरे से सुलह कर लेनी चाहिए,
यही मैं अभी यही बात कर रहा था, अपने बच्चों को यही समझा रहा था कि ये मेरे बच्चों को नाराज हुए तकरीबन एक साल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आप सुलह कर ले, क्योंकि हमारा खुदा सुलह और सलामती का शहजादा है। आप बच्चों, आपकी माँ भी यही चाहती। नहीं नहीं अब्बू जी, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भाई मुझसे छोटा है और मैं उससे बड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप देखो बेटा, खुदा की बातचीत में जो बड़ा अपने आप को बड़ा कहलाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा कहलाएगा वो खुदा की बातचीत में बड़ा किया जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सुलह कर ले, आपकी माँ भी यही चाहती है। हाँ हाँ बेटा, आप भी सुलह कर ले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आलमे बाला पर तंजीद हो और जमीन पे उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आप दोनों सुलह कर ले। जी भाई, मैं आपसे सुलह करना चाहती हूँ। हाँ हाँ भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। बहुत खुश है बेटा कि आपने सुलह कर ली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के दरमियान इन दोनों भाइयों में सुलह हो चुकी है, और क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियान यीशु मसीह सुलह करवाने आया था, और अब इन दोनों भाइयों में भी सुलह हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों की फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप बारे में जरूर लिखूंगा। जी थैंक यू, मैं चलता हूँ। कौन आएगा? सुखा इकबाल आएंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने स्टैपलो में क्या देखा। जल्दी से आए। आप लोगों ने गौर से सुनना, मैं आप लोगों में से भी किसी को भी बुला सकती हूँ। इसी में सब बन रहे हैं बस। यहाँ हमने आप सबको देखा ड्रामा, हमने सीखा है कि जो माफ करने वाला इंसान है दुनिया में सबसे बड़ा इंसान होता है। अगर आपने बड़ा बनना तो माफ करना पड़ेगा, और अगर हम ये चाहिए अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें माफ करने वाला बनना चाहिए, तरक्की करना चाहते हैं अपना इत्मीनान अगर आपको चाहिए तो माफ करने वाला बनना चाहिए। माफ करेंगे तो आपको माफी मिलेगी। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे से भला करें, अच्छा करें, तो पहले हमें अच्छा करना चाहिए, पहले हम अच्छा बनेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर भी हमारे से अच्छा करेगा। ये नहीं कि हम कहें कि हमारे से अच्छा भी करे तो कभी भी नहीं हो सकता। ये सुन चाहिए, हमें यही मिसाल देता था कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से भी अच्छा करें तो पहले आप अच्छा करो, आप अच्छे बनोगे तो आपको सभी, इसको हम इंग्लिश में कहते पॉजिटिविटी, अगर आप में पॉजिटिविटी आपको सबको अच्छे, आप सब अच्छे लगे, जितने आपको नजर आएंगे अच्छे लगे। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहना, अपने आप को पॉजिटिव करो रखें और सब आपको अच्छे लगेंगे। आपको दुश्मन की तकलीफ करेंगे यहाँ ये बहुत अच्छा बन रहा है। शुक्रिया। चलो दीदी पीछे हो जाओ। जरूर आए, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनका नाम है पास्टर जुनेद। पास्टर काशिप भी आए हैं, पास्टर जुनेद मसीह में आप सबको सलाम। मैं इसलिए नहीं आ रहा था कि कलीसिया में से कोई आए और बताए कि हम मसीह के लिए वो काम करते हैं जो खुदावन चाहता है। मैं चर्च में अपने पहली दफा खिदमत कर रहा हूं, उससे पहले मैं शौकत साहब के साथ दूसरे इलाकों शहरों में काम करता था, और उसमें बहने भाई जो भी जरूरतमंद होते थे, उनमें बच्चे भी होते थे, बेटियां भी होती थी, उनमें अगर किसी को खाने की जरूरत होती थी उसे खाने के लिए देते थे, जिसे कपड़ों की जरूरत होती थी उसे कपड़े देते थे,
और जिसके माँ और बाप ना होते थे, जिस बेटी की शादी होनी होती थी उस बेटी की शादी भी हम करवाते थे। अगर उन्हें फर्नीचर की जरूरत होती थी तो फर्नीचर देते थे, अगर खाने की जरूरत होती है तो उसमें हम 100 लोगों का खाना भी देते थे। और ये मैंने अपने उस्ताद शौकत साहब से सीखा था कि मसीह के बदन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है और हम सबको मिलकर उसकी फिक्र करनी चाहिए। और बहुत से भाई ऐसे हैं, बहनें हैं जो चढ़र गांव में ही हैं, जिनसे हम खुदा के कलाम के लिए हदिया कहते थे, बहनों के लिए, भाइयों के लिए शादियों में, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और उनके तावन से जितनी चीजें मैंने कही हैं हम सब मिलकर करते हैं, और खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया अतना। मुबश्री अंजील काशिफ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने बताया कि मैं किस तरह से और किस खूबसूरती से क्रिसमस को मनाता हूँ। अभी मेरी गुजारिश है कि पासर जब मैं भी यही चाह रहा था कि काफी देर से जो सिस्टर है कह रही थी कि कोई ना कोई उठकर बताए। देखिए खुदा के खादम जो है इनकी तो ड्यूटी लगी है, इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन हम जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमने क्या किसी को देखना है। अपने ड्रामे में कितने शॉट देखे कि हेल्पर बनना है, किसी ना किसी की हेल्प करनी है, तो क्या हम करते हैं? खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि सुलह और अमन का शहजादा, और वो आया किसके लिए है? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। हमने किसी ना किसी गरीब को देखना है, ढूंढना है हमने कि क्या मेरे घर में सब कुछ बना है, या मेरे साथ वाले या किसी और जगह पे कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ। खुदा के कलाम में लिखा ना कि हम कहेंगे कि खुदावन कब हमने, लेकिन खुदा कहेगा कि मैं भूखा था तेरे पास आया। तो कोशिश करें कि आप किसी ना किसी की हेल्प करो, अगर हेल्प करेंगे तो खुदावन आपको बरकत देगा। तो हमने एक दूसरे को देखना है, फिक्र करनी है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि जो मेरे पास आया या मैं किसी के पास गया हूँ और मैं बताकर खिदमत नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा अगर तेरा दायां हाथ करता है तो बाएं को पता ना चले। तो सोशल मीडिया पे नहीं, मैं वैसे हेल्प आउट करता हूँ जिसकी मैं पिक भी नहीं लेता। ये मेरी खिदमत है जो खुदा ने मुझे सौंपी है। सो खुदावंद आपको भी ये बच्चे जी। अभी मेरी गुजारिश है पास्टर शकूत रूबानी से कि वो भी जरूर आए और इस बारे में चंद बातें कहें। आप सब उनकी बात को गौर से सुनिएगा ताकि हम जान सकें कि वो हमारे लिए क्या खास बात लेकर आए। वेलकम सर। Good evening, everyone. I'm so happy to see a performance and this is a ball. Bismillah. के लिए बहुत शुक्र अदा करते हैं सारी लीडिंग के लिए। मैं याद कर रहा था आपकी बुआ का उनका शुक्र अदा करते और तमाम कलीसिया के लिए, इनके तावन के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। हाँ जी हेलो। बड़ा अच्छा लगा कि जो सिस्टर ने, जो बेटी ने हमारी ने आपके सामने एक व्यू रखा, सिर्फ टाइम जाया करने का नहीं है, सिखाने के लिए सबक लेकर जाए। मेरे पास अगर 1000 है तो मैं अगर 800 भी खर्च कर लूं तो 200 रुपया किसी ने। मैं पॉइंट पर आता हूं कि हमें क्रिसमस जैसे मैं मनाता हूं, ये मना रहे हैं या छुपकर मनाते हैं कि किस तौर पर हमें हेल्प आउट करना है, हेल्प अदर्स के लिए, पीपल के लिए हमें किस तौर पर, जो पुअर है, जो हालात सर्कमस्टांसेस का मुकाबला कर रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, उनको अपने साथ जोड़ें।
फिर हमारा हकीकी क्रिसमस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा कितना आधा घंटा है? एक घंटा है, ठीक है। एंजॉय कर रहे हैं? जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, आप एंजॉय करें। ये मैं मेरे लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और हमने एक दिन रोजा रखा था कलीसिया के लिए, और हम खुदावन के जलाल के लिए ताली बजाएंगे कि खुदावन ने बड़ी मुश्किल में से चरण को हम सबको खादम दीन को निकाला है ताकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। और ये मैं चाहता हूँ हर साल हम इसमें बढ़ते और तरक्की करते जाएं। जी क्यों मिस मीना, मिसेस गॉड ब्लेस यू, आपने बड़ी बहुत काविश की है, जद्दोजहद की है। हाँ जी हाँ जी, तो और हम इस बेटी को भी गॉड ब्लेस यू जो हमारे दरमियान है, और बेशक वो अपने चर्च में तो नहीं आए, वो उनकी दुआई में सुन रहा हूँ कि ये भी इनका ही चर्च है। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी चलिए, आज तो वो हमारे साथ है हमारे चर्च में। हाँ जी